अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, ये व्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल, क्योंकि ये है ही स्पेशल जगह का। और ये कहाँ का है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग और मैं आपको बताती हूँ ये हम कहाँ घूम रहे हैं। तो जी, ये है ओल्ड कराची और हम आए हैं सदर। और हम सदर क्यों आए हैं, हमने सोचा कि हम लोगों को सदर जाके आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट यहाँ के स्ट्रीट फूड ट्राई करके दिखाने चाहिए कि कराची में जो चीज़ें बहुत पुरानी हैं वो अभी भी बहुत मज़ेदार हैं और कौन कौन सी चीज़ें मशहूर हैं। तो जी, हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। जो हमें सबसे पहले ट्राई करना है वो है जी बन कबाब। और आप यहाँ रश देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी रश होता है और आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। और हम जी कहाँ आ गए, तो हम आ गए, मैं आपको बताती हूँ, हम आ गए बिरयानी एंड बन कबाब हाउस पे। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है, बट यहाँ के बन कबाब बहुत फेमस हैं और जो लोग कराची से बिलोंग करते हैं उनको ये आइडिया होगा। और जो लोग कराची में नहीं रहते वो जब भी कराची आए तो यहाँ आके ये ज़रूर ट्राई करें। और चलें जी, हम आ गए हैं डाइनिंग एरिया में। और ये इनका डाइनिंग एरिया है ऊपर की तरफ जहाँ फैमिलीज बैठते हैं। ये इनका मेन्यू है, मेन्यू में आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। बट जी, हमें लेना है बन कबाब और आ गए हैं हमारे बन कबाब। और ये देखिए, देखने में इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं और माउथ वाटरिंग है कि, तो चलें टेस्ट करते हैं इसे और आपको इसका 100% ओरिजिनल और ऑथेंटिक रिव्यू देते हैं कि ये कैसे हैं, ठीक है। और ये गया फर्स्ट बाइट और मुझे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये बहुत यम है। तो जी, आप जब भी आए तो यहाँ ट्राई कीजिएगा बन कबाब। और जी, ये बाइट आप सबके लिए, आप सब इंजॉय करें। और मुझे पता है कि आप सबके खाने का दिल कर रहा है, बट जब भी आप कराची में आएँ, जो कराची से आउट ऑफ कराची रहते हैं वो जब भी आएँ तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो लोग कराची में रहते हैं जिन्होंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया तो जाएँ और ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, हमारे हो गए बन कबाब ख़त्म, फिनिश कर चुके हैं। तो अब चलें, अब हम क्या ट्राई करेंगे। यहाँ से हम जी, मैं ऊपर आई थी और ये नीचे जाने का रास्ता, और ये बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। तो जी, और दूसरी चीज़ जो हम ट्राई करेंगे वो है जी कचौरियाँ। और ये कचौरियाँ भी यहाँ की बहुत फेमस है और ये बहुत पुरानी शॉप्स हैं जो अभी तक उसी तरह का टेस्ट दे रही हैं जैसे ये आज से पहले देती थी। और ये पाकिस्तान बनने के बाद से शॉप्स यहाँ पर हैं। और जी, आ गई है हमारी कचौरी और हम इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसी हैं और इसका रिव्यू आपको देते हैं। और देखिए, एक्सप्रेशन से आप सबको पता चल चुका होगा कि इसका रिव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही यम थी। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत लाइट थी। तो जी, ये है इनकी शॉप, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, जब यहाँ आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें। और ये बन कबाब वाले सेंटर के बिल्कुल बैक साइड पे है। तो जी, अब मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो अब हम जा रहे हैं मीठा खाने। और मीठा हम कहाँ का खाएंगे जी, हम खाएंगे फ्रेस्को का। और फ्रेस्को का क्या मीठा, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ की जलेबियाँ बहुत फेमस हैं। तो हमने सोचा कि ये ट्राई करते हैं और आप सबको भी रेकमेंड करते हैं कि यहाँ ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जी, ये बन रही हैं गर्मा गर्म जलेबी। और ये जलेबी बनते हुए इतनी अच्छी लग रही थी। और जलेबी अब रेडी हो चुकी है और हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी बहुत रश थी। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें हमारी जलेबी मिल गई है और हमने सोचा कि ये ट्राई करें, बट यहाँ पर बैठने की कोई जगह नहीं थी जहाँ हम बैठ कर ट्राई करें। बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी ट्राई की, लेकिन मैं इसका पूरा व्यू आपको अभी आपके साथ शेयर कर दूँगी जो मैंने घर जाके लिया था। और ये है जी इसका पूरा व्यू और ये बहुत यम बनती है। अब हम कहाँ जाएँगे, तो जी अब मुझे क्रेविंग होती है यहाँ पर आएँ और वो चीज़ ना खाएँ, वो क्या है जी, अब हम आ गए बंसरोड पे। और जी, बंसरोड पे आ गए, मुझे मटका कुल्फ़ी खानी थी और आपको पता है जो भी बंसरोड पे आता है मटका कुल्फ़ी खाए बगैर नहीं रहता। और जी, मैंने इनसे कहा कि जी मुझे मटका कुल्फ़ी चाहिए, तो ये देखिए ये आ गई। और ये इनका ओपन करने का तरीका, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक होती है। और जी, ये मेरी मटका कुल्फ़ी ओपन हो गई है।
यहाँ पर आपको फालूदा भी मिलेगा, मटके वाला, और बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, बट यहाँ की ये जो कुल्फ़ी है ये बहुत मज़े की होती है। तो चलें जी, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है, और ये सब चीज़ें बहुत रीज़नेबल रेट में थी। अगर आप यहाँ आके ट्राई करना चाहते हैं तो ये अंडर 2000 थी और बहुत मज़े की थी। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।